जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चारों धाम में से एक धाम और सप्तपुरियों में से एक द्वारकापुरी यानी द्वारकाधीश मंदिर की। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है, कैसे जाएं, मंदिर के अलावा द्वारका में और कहाँ घूमें, होटल्स और खाना कैसा मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिर कहाँ है। अरब सागर किनारे गुजरात के द्वारका नगरी में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जो कि राजकोट से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर कैसे जाएं? दोस्तों, आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले लें, अदरवाइज़ आपको द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आपको राजकोट जंक्शन से डायरेक्ट द्वारका के लिए काफ़ी ट्रेन्स मिल जाएंगी, या फिर आप अहमदाबाद आकर द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स ले सकते हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपको अहमदाबाद से कई सारी बस मिल जाएंगी। अहमदाबाद से द्वारका की नॉन एसी बस का किराया 250 रुपये से 300 रुपये तक होता है और एसी बस का किराया 750 रुपये से 900 रुपये पर पर्सन होता है, जो कि आपको 9 से 10 घंटों में द्वारका पहुंचा देंगी। राजकोट से द्वारका नॉन एसी बस का किराया लगभग 150 रुपये और एसी बस का किराया लगभग 400 रुपये होता है। दोस्तों, ये सारी बसें स्लीपर सीटर होती हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट पोरबंदर रहेगा। पोरबंदर से द्वारका की दूरी ऑलमोस्ट 103 किलोमीटर है। पोरबंदर से द्वारका जाने के लिए आप ट्रेन, बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं। होटल्स और खाना, द्वारकाधीश मंदिर के आसपास आपको कई सारे होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। होटल का रूम आपको 500 रुपये से 1000 रुपये में मिल जाएगा। बात करें धर्मशाला की तो 300 रुपये से 500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा और गेस्ट हाउस का कॉस्ट 500 रुपये से 700 रुपये में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मंदिर ट्रस्ट की ओर से 20 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा, जिसकी टाइमिंग्स सुबह 11 बजे से 2 बजे और शाम के 6 बजे से 9 बजे तक होती है, या फिर आप रेस्टोरेंट और होटल्स में 80 रुपये से 150 रुपये में पर प्लेट खाना ले सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने, पर उससे पहले आप गोमती घाट जाकर स्नान कर लें, फिर जय श्री कृष्णा बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करें। आरती में सम्मिलित होने के लिए आपको सुबह 6:30 बजे और शाम की आरती के लिए 7:30 बजे मंदिर में पहुंचना होगा। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा आप यहां गोमती संगम, सुदामा सेतु, लक्ष्मी नारायण मंदिर और यहीं आपको एक ऐसा वृक्ष देखने को मिल जाएगा जिसके नीचे बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या करते थे। इसके बाद दोस्तों, आप बोट के द्वारा बेट द्वारका भी जा सकते हैं। बोट का टिकट ऑलमोस्ट 20 से 30 रुपये पर पर्सन होता है। इन सब लोकेशंस पर जाने के लिए आप टैक्सी हायर कर लें, जिसका कॉस्ट आपको अराउंड 800 रुपये से 1200 रुपये पड़ जाएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।